वेलकम टू एवन एडवेंचर चैनल। तो यार जो आज के हमारी वीडियो है ना, वो यार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप कर दो लाइक। और आज हम आपको बनाना सिखाने वाले हैं एक रिचार्जेबल बैटरी। जी हाँ दोस्तों, इस बैटरी को आप आराम से घर पे बना सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। और सबसे ज्यादा मेन बात, ये प्रोजेक्ट बनने वाला है पूरा का पूरा फ्री, यानी कि बाजार से कोई भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आराम से आपको घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए बताते हैं आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी। रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले आवश्यकता होने वाली है खाली बोतल की। तो दोस्तों जो ये बोतल है ना, वो तो आराम से आपको घर पर उपलब्ध हो जाएगी, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और फिर हमें आवश्यकता होगी जो डबल ए बैटरी होती है ना उसके, जिसे अपन सेल भी कहते हैं। तो दोस्तों जो ये सेल है ना, ये बिल्कुल ख़राब है। तो जो आपके घरों में कोई भी ख़राब सेल पड़े हो वो आप ले सकते हो, तो ये भी आराम से आपको घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगे। और फिर हमें आवश्यकता होने वाली है गुहार पाटे की, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जिसे अपन एलोवेरा बोलते हैं। तो दोस्तों इन तीनों की मदद से आज हम बनाएंगे रिचार्जेबल बैटरी। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब अब हमें क्या करना होगा, जो ये सेल है ना, इस सेल को ओपन करना होगा, मतलब कि जो इसके अंदर जिंक की अंदर प्लेट आती है, ये वाली प्लेट दोस्तों, इसको हमें अच्छे तरीके से बाहर निकालना है। तो चलिए इसको फटाफट से काट के बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको इसी प्रकार से क्या करना है, जो इसके अंदर वाला इलेक्ट्रोड है उसको अलग कर देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, ये है इसका इलेक्ट्रोड, इसको हमें अलग कर देना है पूरा अच्छे तरीके से। यह चुका है अलग, और अब जो ये जिंक है ना, इसको भी हमें अलग कर देना है। और इसी तरीके से दोस्तों हम सारे सेल का जिंक और अंदर वाले इलेक्ट्रोड अलग कर देंगे। हमने इलेक्ट्रोड को अलग कर दिया है और जो ये जिंक की प्लेट है इनको हमने अलग कर दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इन चारों जिंक की प्लेट को एक साथ में कनेक्ट कर देंगे, और इस साइड में जो ये इलेक्ट्रोड है इनको हम चारों को एक साथ में कनेक्ट कर देंगे, बिल्कुल इस प्रकार से वायर की सहायता से। तो चलिए फटाफट से इनको अटैच कर देते हैं। तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने इलेक्ट्रोड कार्बन को एक साथ में जोड़ दिया है, और जो ये जिंक की प्लेटें हैं इनको हमने एक साथ में जोड़ दिया है। और अब क्या होगा, जो पॉजिटिव वाला वायर होगा ना, वो इसके साथ में कनेक्ट होगा और इसको हम लगाएंगे बोतल के ऊपर, और जो नेगेटिव वाला वायर होगा ना, वो नीचे की साइड में अटैच होगा। तो इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, बोतल के दोनों तरफ छेद कर देंगे, इस ढक्कन के ऊपर भी छेद करेंगे और पीछे के साइड में भी छेद करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से होल कर देते हैं। तो इस ढक्कन के बीच सेंटर में हम होल कर देंगे। तो ये हो चुका है, और एक करेंगे हम बोतल के पीछे। तो दोस्तों यहां तक तो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, और अब हमें क्या करना है, जो ये जिंक वाली प्लेट है ना, इसके साथ में हम कनेक्ट करेंगे ब्लैक वाला वायर, क्योंकि ये वाला अपना माइनस वाला टर्मिनल होगा। तो चलिए इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो मेरा हाथ है ना, वो पूरे पूरे ब्लैक हो चुके हैं कार्बन से। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस वायर को इस पीछे वाले छेद की मदद से बाहर निकाल देंगे यहां से। मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो वायर है ना, वो पीछे की साइड से बाहर आ चुकी है, और अब हम इसको अंदर डाल देंगे। तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने नेगेटिव वाले टर्मिनल को अच्छी तरीके से अटैच कर दिया है, और अब इस साइड में करेंगे पॉजिटिव वाले टर्मिनल को अटैच। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो कार्बन इलेक्ट्रोड है इसके साथ में हमने रेड वायर को अटैच कर दिया है। तो चलिए ढक्कन में से इसको बाहर निकाल देते हैं, और फिर इसके ढक्कन को बंद कर देते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो, बैटरी को चार्ज करने के लिए दो टर्मिनल बन चुके हैं, ये है पॉजिटिव वाला टर्मिनल और ये है नेगेटिव वाला टर्मिनल। और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अच्छे तरीके से ग्लू गन लगा देंगे। तो हमें इसको बिल्कुल पैक करना होगा। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो दोस्तों आप फेविक्यूब और यह जो एमसील होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमने दोनों तरफ अच्छी तरीके से ग्लू गन लगा दी है।
तो यहाँ तक तो हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। और अब हमें क्या करना होगा, हमें एक लेना होगा बीकर। अगर आपके पास बीकर ना हो तो दोस्तों आप कोई छोटा पतीला भी ले सकते हो। और जो ये एलोवेरा है ना, इस एलोवेरा का जो अंदर वाला लिक्विड है उसको हमें बाहर निकालना है। तो चलिए इसके अंदर वाले लिक्विड को निकालते हैं बाहर। हमें इस वाले लिक्विड की आवश्यकता है, तो हम पहले इसको अच्छे तरीके से काट लेंगे। तो भाई साहब जो ये हलवा सा है ना, इसको हमें निकालना है पूरा बाहर। आप देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, हमने एलोवेरा के लिक्विड को बाहर निकाल दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस बोतल का ढक्कन खोल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे इस लिक्विड को। तो चलिए इसको इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, जो इसका ढक्कन है ना, इसको कर देंगे बंद। और जो अपनी रिचार्जेबल बैटरी है वो दोस्तों बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करने वाले हैं कि अभी इसके अंदर कितनी वोल्ट है। तो देखते हैं ये कितनी वोल्ट प्रोड्यूस कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 0.40 वोल्ट ये प्रोड्यूस कर रही है, आप देख लीजिए। और अभी तक तो हमने इसको चार्ज नहीं किया है और ये अभी कर रही है 0.47 वोल्ट, मतलब कि मिनिमम ये 0.40 वोल्ट ये प्रोड्यूस कर रही है। तो चलिए इसको चार्ज करते हैं और फिर इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, अब हम इस बैटरी को चार्ज करने वाले हैं। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम सोलर पैनल का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, ये लूम सोलर कंपनी का सोलर पैनल है। तो चलिए इसकी मदद से हम इसको चार्ज करने वाले हैं। हमने दोनों वायर को सोलर पैनल के साथ में अटैच कर दिया है। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर चार्ज होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, जो अपनी एलोवेरा बैटरी है ना, वो हो चुकी है पूरी चार्ज। तो चलिए अब हम करेंगे इसकी पावर टेस्टिंग कि ये कितना वोल्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो हमने इसको स्टार्ट कर दिया। ओ भाई साहब, आप देखिए दोस्तों, 7.89 वोल्ट, कितनी ज़्यादा ये पावर प्रोड्यूस कर रही है, 7.89 वोल्ट, आप देख सकते हो यार। तो चलिए जो ये 3 वोल्ट की डीसी मोटर है ना, इसको हम चलाकर देखने वाले हैं। तो ये तो आराम से फुल चलेगी क्योंकि इसके अंदर 7 वोल्ट है और ये केवल 3 वोल्ट की है। ओ भाई देखिए आप, और अब ये दोस्तों मेरे पास एक एलईडी है 9 वोल्ट की, तो देखते हैं ये चल पाती है या नहीं। तो चलिए इसको चला के देखते हैं। ओ भाई साहब, आप देखिए जल तो रही है, लेकिन देख लीजिए दोस्तों थोड़ी डिम जल रही है क्योंकि इसके अंदर 7 वोल्ट है। और जो ये मतलब कि जो ये बैटरी है ना, वो दोस्तों 7 वोल्ट प्रोड्यूस कर रही है और जो ये लाइट है वो है दोस्तों 9 वोल्ट की, तो आप देख सकते हो। तो भाई साहब यार, ये वाला प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा? आप देख सकते हो जो अपना प्रोजेक्ट है ना, वो यार बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन यार इसके साथ में एक प्रॉब्लम है, ये जो बैटरी है ना, ये दोस्तों बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाती है। लेकिन काफी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ऊपर काम कर रही है, तो इसको और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा आगे फ्यूचर में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना, वीडियो को आपको करना है लाइक, चैनल पर नए हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। आप यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे ये डिस्चार्ज हो रही है। और बाकी आप इसको स्कूल साइंस प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो आराम से, यार काफी ज्यादा अमेजिंग प्रोजेक्ट है, बहुत ही सरल तरीके से बन जाएगा। और आप घर पे भी तैयार करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मतलब कि ऐसा नहीं भाई आप इसको बाइक में लगा लोगे, ये बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज होती है जो ये बैटरी है ना वो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।